हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार की एक्सेस ओपनिंग, पेशेंट के ऊपर करके देखेंगे कैसे इसको करना है। और अगर आप मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार की एक्सेस ओपनिंग देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन आएगा, सजेशन आएगा, उसमें भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हमारे पेज इजी डेंटिस्ट्री को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जनरली इसके पहले कैनाल और ओरिफाइसिस समझ लेते हैं, इनकी लोकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलार है, इसकी जो एक्सेस ओपनिंग होती है रोम्बॉइड शेप की होती है, रोम्बॉइडल शेप की ये होती है। और इसमें जो कैनाल्स होती हैं, तीन या चार कैनाल्स होती हैं, मोस्टली चार कैनाल्स इसमें होती है। जो मीजियल कैनाल है, मीजियो बक्कल कैनाल है, वो दो होती है, मीजियो बक्कल वन और मीजियो बक्कल टू। तो ओरिफाइस लोकेशन क्या है? तो मीजियो बक्कल कैनाल है वो हमें अंडर दी मीजियो बक्कल कस्प फाउंड होगी, मीजियो बक्कल कस्प के नीचे हमको मिलेगी। पैलेटल कैनाल जो है वो पैलेटली हमको मिलेंगी, पैलेटली हम उसके लिए जाएंगे। और जो डिस्टल कैनाल है वो स्लाइटली डिस्टल एंड पैलेटल टू दी मीजियो बक्कल ओरिफाइस, मीजियो बक्कल ओरिफाइस से स्लाइटली डिस्टल होगी और पैलेटली होगी, पैलेटल साइड होगी। तो ये कैनाल ओरिफाइस की लोकेशन है, आप फोटो में देख सकते हैं। एक्सेस ओपनिंग हम राउंड बर या एक्सेस ओपनिंग बर से स्टार्ट करेंगे, टूथ के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इनिशियल डिस्क देंगे, फिर उसको हम डीप करेंगे, पल्प चेम्बर में एंटर होंगे, उसको क्लीन करके कैनाल को सर्च करेंगे और जो एक्सेस ओपनिंग का शेप है उस शेप में हम उसको प्रिपेयर करेंगे और कैनाल्स को सर्च करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनिशियल डिच देंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे, अब इसको हम थोड़ा डीप करेंगे, इस मोशन में आप कर सकते हैं, इसको डीप करते जाइए और स्लोली हम पल्प चैम्बर में एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है, अब हम इसको और डीप करेंगे। और जैसे हम पल्प चैम्बर में एंटर करते हैं तो एक ड्रॉप इन इफ़ेक्ट हमको फील होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। जैसे ड्रॉप इन इफ़ेक्ट फील होता है मतलब हम पल्प चैम्बर में पहुँच गए हैं। फिर हम वहाँ से क्लीन करते हैं और कैनाल को सर्च करते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं और कैनाल को अब सर्च करेंगे हम। इरिगेशन के लिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कैनाल सर्च करेंगे। तो मीजियो बक्कल कस्प के नीचे हमको कैनाल सर्च करनी है, यहाँ पे हमें मीजियल कैनाल फाउंड होती है। देखिए ये मीजियो बक्कल कस्प और यहाँ पर एक कैनाल है, इसकी फाइलिंग में कर देता हूँ थोड़ी सी। अब हम इसको जो हमारी कैविटी का शेप है उस शेप में इंक्रीज करेंगे साइज को, जो एक्सेस ओपनिंग है। ये देखिए ये थोड़ा पैलेटली मैंने इसको किया और यहाँ पर एक कैनाल ओपनिंग है, ये है हमारी पैलेटल कैनाल। इसको भी मैं थोड़ा फाइल कर देता हूँ, इस मोशन में आप इसको फाइल कर दीजिए अच्छे से। अब जो कैविटी है उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए मैं अल्ट्रासोनिक स्केलर का यूज़ कर रहा हूँ, इससे जो डेब्रीज हैं, जो पल्प है, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा पल्प चैम्बर का। इसे क्लीन करने के बाद जो ओपनिंग्स है वो
काफ़ी अच्छे से विजिबल हो जाती है, तो आप चाहें तो स्केलर का यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। और फिर इसको हम जो हमारा कैनाल का शेप है उस शेप में ब्रॉड कर देंगे, और एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस हम बनाएंगे जितने भी कैनाल्स हैं उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस बनाने का ट्राई करते हैं कि ताकि जो कैनाल्स हैं उनको हम जब फाइल करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने यहाँ पर इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये जो मैं कर रहा हूँ क्लीन करने के बाद मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, प्रोटेपर से भी मैंने इसको वाइट कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो चलिए अब तीनों कैनाल में हम प्लेस करेंगे एक एक करके। ये देखिए एक्सिस ओपनिंग क्लीन करने के बाद आप कैनाल ओपनिंग देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा प्रिपेयर कर लिया हुआ है इसलिए इतने क्लियर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पहले हमने डाला है 15 नंबर, ये मीजियल कैनाल में मैंने प्लेस की है। ये सेकंड फाइल हम डिस्टल कैनाल में डालेंगे, सॉरी ये पैलेटल है, ये डिस्टल कैनाल में हम इसको प्लेस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोटेपर से मैंने इसे यूज़ कर लिया है इसमें, तो पैलेटल कैनाल में मैं प्रोटेपर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इन्हीं फाइल्स के साथ लिया हुआ एक्सरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप कैनाल्स को क्लियरली देख सकते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं मिरर से देखने का, कैनाल ओपनिंग्स आप मिरर में देख सकते हैं, इसमें हमको दिख रही है मीजियल, डिस्टल एंड पैलेटल कैनाल्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।